अ13 मिडिल एजमैन के एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग घर को देखते हैं जो कि दीवार के आगे भिड़ता है क्योंकि वो एक अपोनेंट से लड़ रहा था। दीवार पे भिड़ने के ऐसे वो स्टन हो जाता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। तभी उसका अपोनेंट उसके सामने आ जाता है जो कि काफी डरावना लग रहा है और वो उसे मारने वाला ही है। और तब हमें बताने लगता है कि आखिरकार मैं इस सिचुएशन में आया कैसे। वो हमें एक रिकैप दिखाता है हम लोग को अब कुछ दिनों पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर अर्थ ने जब टूल्स बनाए थे उसके बाद उसने डंजन को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया वो भी अकेले। उसका गोल था अपनी लॉक पिकिंग और डिसार्म स्किल को इम्प्रूव करना। वो एक चेस्ट को खोल रहा होता है लेकिन ट्रैप डिसेबल नहीं होता है जिसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इसी तरीके से अर्थ ने काफी बार ट्राई किया और वो काफी बार गलती करते जा रहा था जिसकी वजह से वो मारे भी जा रहा था। लेकिन काफी बार प्रैक्टिस के बाद अर्थ की जो थीफ स्किल है वो लेवल 50 की हो गई और अब उसे हाईर रैंक के स्किल में इवॉल्व कर सकता है। उसके बाद दो ऑप्शन है, एक है सुपीरियर थीफ जो की थीफ का पावरफुल वर्जन है और सेम चीज करती है, और दूसरा है बेनिवोलेंट थीफ जो की मॉन्स्टर से स्टील कर सकती है और स्नीक अटैक के समय बोनस भी दिला सकती है। ये चीज नॉर्मल थीफ स्किल नहीं कर सकती है लेकिन इसे इवॉल्व करने में और ज्यादा एक्सपीरियंस लगेगा। वो थोड़ा डिसाइड करता है और अब वो इस स्किल को चूज कर लेता है क्योंकि ये स्किल उसे थोड़ी मजेदार लग रही है। तभी उसे रेड की तरफ से एक मैसेज मिलता है। वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि रेड उसे ब्लैक रेंजर से मिलवाना चाहता है। ब्लैक रेंजर अर्थ को इंट्रोडक्शन देने के बाद अब अर्थ के साथ ही ट्रैप को खोलने का ट्राई करता है। वो लोग ट्रैप को खोलने में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। उसे देखकर पिंक बाकी सबसे कहती है कि ये दोनों इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं एक ट्रैप को डिसार्म करते समय, जिस पर रेड कहता है क्योंकि मैंने उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराया है। उन दोनों की तो दोस्ती होगी लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन दोनों कितनी गहरी दोस्ती हो जाएगी। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि ब्लैक रेंजर और अर्थ सही में काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। और तब कहने लगता है कि सेम समय पर मैं डंजन में अकेले जाता रहता हूँ, जितने ज्यादा ट्रैप में ओदर डिसार्म करते जाता हूँ उतना ही मेरा सक्सेस रेट इंक्रीज होता है, उसकी न्यू थी स्किल भी इंक्रीज होती जाती है। उसने वहाँ पर एक चीज नोटिस भी करी है जो कि मॉन्स्टर्स पर काम करती है और वो है कि मॉन्स्टर लाइट पर अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो लाइट को ऑफ कर देता है और अपने लॉन्ग डिस्टेंस विजन स्किल का यूज करता है जिससे कि वो अंधेरे में भी देख पाता है। ऐसा करके उसे ज्यादा मॉन्स्टर से लड़ना भी नहीं पड़ता है और वो उनके बीच से चुपचाप से निकलता रहता है। ऐसा होने की वजह से उसका टाइम काफी बचता है और वो डंजन के और नीचे जाता रहता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज अब अर्थ नेक्स्ट टू लास्ट लेवल पर पहुंच चुका है वो भी अकेले। वो टाइम चेक करता है उसे पता चलता है कि टाइम तो 5 मिनट बची है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। 9th फ्लोर पर उसे लीचेस भी मिलने वाले हैं इसलिए उसे टाइम लगाकर करना होगा ये सब। वो अब 9th फ्लोर पर आता है और उसके सामने से एक लीच जाती है, इससे वो छुप जाता है जिसकी वजह से लीच वहां से चली जाती है। अर्थ लीच से नहीं लड़ना चाहता है क्योंकि उसे रेड की बात याद है। रेड ने उसे बताया था कि लीच से संभल कर रहना क्योंकि वो उसे स्टेटस अटैक का यूज नहीं करते हैं बल्कि वो पास में मॉन्स्टर्स को भी समन कर सकते हैं, तो सोलो प्लेयर्स के लिए ये सिचुएशन काफी बुरी हो जाएगी। अर्थ सोचता है कि उसे लीच से नहीं भिड़ना है, उसे केयरफुल रहना होगा। ऐसा बोलकर अब वो आगे बढ़ता है। आगे चलकर अब उसे नेक्स्ट लेवल की स्टेयरकेस मिल जाती है लेकिन वहां पर काफी सारे ट्रैप बिछे हुए हैं। और तब कहने लगता है कि मेरे पास इन सभी को डिसार्म करने का समय नहीं है इसलिए मुझे यही करना होगा। ऐसा बोलकर वो फ्लाई का यूज करके सीधा ही उस स्टेयरकेस के पास पहुंच जाता है लेकिन वो थोड़ा पीछे आता है जिसकी वजह से उसका पैर एक ट्रैप पर आ जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है लेकिन वो उससे बचता हुआ एक छलान लगाकर उस स्टेयरकेस के सीधा अंदर चला जाता है। नीचे आकर वो देखता है कि उस डंजन ने तो उसे किक आउट नहीं करा है और उसका जो टाइम है वो भी रुक चुका है। वो अब एक हीलिंग पोशन पीकर हील कर लेता है और सोचता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लगता है मेरे पास अब अनलिमिटेड टाइम है क्योंकि मैं अब लास्ट फ्लोर पर हूँ। वो अब कहने लगता है चाहे कुछ भी हो मैं अब ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर पहले आज तक कोई भी नहीं आया है। वो अब धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी जगह पर अकेले पहुंच पाएगा। मेरा नाम एंड्रे है और मैं एम्पायर का एक नाइट हूँ। मैंने यहाँ काफी वेट किया है और जो ये स्टेयरकेस है ये काफी बड़ी है। तुम मेरी कहानी को सुनो, नीचे उतरते समय कुछ आइडिया मिल जाएगा तुम्हें कि आगे मुझसे लड़ना कैसे है। एंड्रे अब अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि उसके नेशन ने उसे ऑर्डर दिया था इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इस लैबरिंथ को सील करने के लिए। वो आया तो अपनी एक बड़ी आर्मी के साथ था लेकिन मॉन्स्टर्स और ट्रैप ने उसकी सारी आर्मी को खत्म कर दिया और अंत में वही अकेला बचा जो कि अंत में इतना नीचे आ पाया। और जब वो यहाँ पर आया था यहाँ पर कुछ भी नहीं था, हवा तक नहीं थी, इसकी वजह से वो सफोकेट करके वहीं पर मर गया और वो एक स्केलेटन नाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया। और अब उसे फोर्स किया जा रहा है इस डंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर अर्थ कहता है कि तुम इस लैबरिंथ को सील करने आए थे और उन लोगों ने तुम्हें यहाँ का गार्डन बना दिया, क्या वो रूम यहाँ पर अभी भी है? जिस पर एंड्रे कहते हैं नहीं, मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि कोई और भी उस ट्रैप में फंस सकता था। ये सुनकर अर्थ सोचता है कि मरने के बाद भी एंड्रे तो एक नॉर्मल नाइट की तरह बिहेव कर रहा है। तभी एंड्रे अर्थ से कहते हैं कि मैं तुम्हें स्टेयर्स के नीचे मिलूंगा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो अर्थ कहते हैं ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ? जिस पर एंड्रे कहते हैं कि मुझे मार दो, मैंने काफी सहन कर लिया, मैंने अपने हर्ट को मना कर दिया कि मैं एक मॉन्स्टर नहीं बनूंगा, मैं काफी थक गया हूँ इसलिए प्लीज मुझे फ्री कर दो ताकि मैं अपने कॉमरेड्स के पास जा सकूँ। ये सुनकर अर्थ भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और तभी अचानक से जो वो स्टेयर्स होती है वो गायब हो जाती है जिसकी वजह से अर्थ अब काफी नीचे गिर जाता है। उसकी वजह से उसके जो लालटेन होती है वो भी टूट जाती है। अर्थ के सामने अब एक स्केलेटन नाइट आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि एंड्रे ही है। वह अर्थ को देखकर काफी जोर से हंसने लगता है तो अब अर्थ भी उसके ऊपर एक एरो मार के उसकी हंसी को रोक देता है। इसके से एंड्रे उस पर गुस्सा होता है और उसे कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर अर्थ कहते हैं कि बड़बड़ाना बंद करो, तुम
मुझसे लड़ो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जिस पर एंडर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पर हमला करने की, तुम्हें मरने से पहले मैं काफी सफर करवाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी इंस्टेंटली अर्थ के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अर्थ भी उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे आ जाता है। ये देखकर अर्थ भी हैरान रहता है कि एंड्रे इतने कम समय में उसके पास इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। एंड्रे अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अर्थ अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि ये फाइट अभी तक ओवर नहीं हुई है। और तब अपने मन में कहने लगता है कि एंड्रे काफी ज्यादा फास्ट है और इसके जो अटैक है वो काफी हार्ड है। एंड्रे भी उसे कहने लगता है कि तुम काफी अच्छे हो, तुम वैसे हो जैसे मैंने होप किया था। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अर्थ उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके ऊपर वो फायर पोशन फेंक देता है, जिसकी वजह से एंड्रे के ऊपर आग लग जाती है। वह बर्थ से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर अर्थ कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मैं तलवार से फाइट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे हेड ऑन नहीं लड़ रहा हूँ। ये सुनकर एंड्रे उसे कहते हैं ठीक है फिर ये रहो। ऐसा बोलकर अब वो हमला करता है। उस हमले की वजह से अर्थ का जो बो होता है वो उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एंड्रे उसके ऊपर तलवार से हमला करने के लिए आता है, लेकिन अर्थ भी ब्रेक आर्म का यूज करके उसके अटैक को जल्दी से डॉज कर देता है और पीछे आ जाता है। एंड्रे भी अब उसके ऊपर हमला करके उसे कहने लगता है अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा बो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, अब तुम हार मान लो, तुम्हारा गेम अब खत्म हो चुका है। जिस पर अर्थ कहते हैं मैंने तुमसे कहा है ये गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास अभी भी कुछ ट्रिक बची हुई है, इसलिए तुम अभी तक जीते नहीं हो। ऐसा बोलकर अर्थ अपनी शील्ड से उसके ऊपर हैरो शूट करता है, लेकिन एंड्रे भी उसको काफी आराम से डॉज कर देता है और कहता है कि तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो। इसी तरीके से अर्थ अब अपनी शील्ड से उसके ऊपर हैरो से हमले करने लगता है, जिसे देखकर अर्थ मन में कहता है कि मेरी ये सीक्रेट बो इनविंसिबल नहीं है, ये सिर्फ स्पेशल हैरो ही छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं इनके साथ कोई भी आर्ट यूज नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए अर्थ अब उसके हमलों से बची रहा होता है। अर्थ कहते हैं कि ये वाली हैरो थोड़ी जल्दी छूटती है, इसलिए वो इन्हें बड़े बो से जल्दी ही एम कर सकता है। मैं पावर के साथ नहीं लड़ूंगा बल्कि मैं क्वांटिटी के साथ लड़ूंगा। अर्थ इतना ज्यादा हिल रहा होता है, इसलिए एंड्रे उस पर काफी गुस्सा होता है और कहते हैं कि इस तरीके से हिलना बंद करो। ऐसा बोलकर वो शील्ड चार का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है, वो भी उसे देख नहीं पाता है। एंड्रे अब सीधा आकर अर्थ के ऊपर हमला करता है, उस हमले की वजह से अर्थ सीधा जाकर दीवार के भिड़ता है और वो स्टन हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता है। और अब एंड्रे उसके पास आ जाता है, वो अब से कहने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस आर्ट का यूज करूंगा, लेकिन ये लड़ाई काफी लंबी जा चुकी है, मैं तुम्हें उन गॉड के पास भेज दूंगा जिन्हें तुम इतना प्यार करते हो। ये सुनकर अर्थ कहते हैं क्या मेरे गॉड के पास, जिस पर एंड्रे कहते हैं हाँ, जब भी इंसानों के साथ कुछ बुरा होता है तो तुम हमेशा उनसे प्रे करते हो क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो, है ना। ऐसा बोलने के बाद अब वो अर्थ के ऊपर हमला करता है, लेकिन अर्थ उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिसकी वजह से एंड्रे के हमले की वजह से वहां पर काफी धुआं हो जाता है। उसी धुएं का फायदा उठाकर अर्थ उसके ऊपर काफी जोर से लात मारता है। वो उसे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी गॉड नहीं है, इस जगह पर तुम्हें सिर्फ इंसान की विल ही मिलेगी, विल यानी हिम्मत, वो स्ट्रगल सर्वाइव करने का। ये सुनकर एंड्रे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपनी विल दिखाओ। तो अर्थ कहते हैं ठीक है। वो अब उसके पास काफी तेजी से जाकर एक दीवार पे चिपक जाता है। एंड्रे भी अब उसे देख नहीं पाता है। अर्थ अब अपनी विप का यूज करके उसके तवा को पकड़ लेता है और उसके ऊपर काफी जोर से आकर लात मारता है। इस वजह से अर्थ की विप होती है वो टूट जाती है, लेकिन अर्थ अब भी हार नहीं मानता है। वो अब एंड्रे के ऊपर कुछ पोशन फेंक देता है, जिसकी वजह से वापस उसके अंदर आग लग जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्थ चैंटिंग करने लगता है प्रिज्म नोवा यूज करने के लिए। वो अब सभी फेरी से मदद मांगने लगता है। वहीं पर एंड्रे भी समझ जाता है कि अब अर्थ एक मैजिक यूज करने वाला है। एंड्रे अर्थ को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता है। अर्थ भी पूरी मेहनत लगाता हुआ इनकंटेशन करने लगता है। एंड्रे उसे कह रहा होता है कि स्पेल को रोक दो, लेकिन अर्थ नहीं मानता है, वो करता रहता है इनकंटेशन। तो अब एंड्रे उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्पेल को पूरा नहीं करने दूंगा। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो हमला अर्थ की शील्ड पर लगता है, जिसकी वजह से अर्थ की शील्ड टूट जाती है। लेकिन अर्थ अब भी नहीं रुकता है, वो फेरी क्वीन की पावर मांगने लगता है। इससे पहले कि वो स्पेल एक्टिवेट हो, अर्थ की काफी एनर्जी जा चुकी है, वो अब नीचे गिर जाता है। यही मौका देखकर एंड्रे अब उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी प्रिज्म नोवा स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से एंड्रे के ऊपर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं अर्थ कहने लगता है कि स्पेल के अंदर मैंने सब कुछ लगा दिया, ये मेरी अब तक की सबसे पावरफुल प्रिज्म नोवा थी जितना मैं कर सकता हूँ, काश इसके ऊपर काम कर जाए, ऐसे कुछ हो जाए जिससे कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि एंड्रे का सिर्फ हाथ और पैर ही जमा है। वो अर्थ से गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अर्थ भी देखकर डर जाते हैं कि वो अभी तक जीता नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि क्वीन बाहर आ जाती है। उसे देखकर एंड्रे क्वीन से कहते हैं कि क्या तुम इस बंदे की कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर हो। वहीं पर अब अर्थ भी सोचने लगते हैं कि क्या ये इस रिंग का एक इफेक्ट है, जिसके साथ हम लोग देखते हैं क्वीन अपनी पावर को यूज करके अब एंड्रे को जमाने लगती है और अब वो वहां से गायब हो जाती है। अर्थ भी क्वीन का शुक्र करता है और अब वो जल्दी से जाकर अपने बो को उठा लेता है और वो कहते हैं कि इसे खत्म करने का समय आ गया है। ऐसा बोलकर अर्थ वाइड एरो गैटलिंग एरो एरो ट्विस्टर अर्थ के पास जितनी भी टेक्निक होती है वो एक ही बारी में यूज कर देता है और साथ में वो उसके ऊपर एक्सप्लोजन भी फेंक देता है, जिसकी वजह से एंड्रे के ऊपर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब वो हार जाता है। अर्थ अब सोचने लगता है कि क्या वो जीत गया। तभी हम लोग देखते हैं कि एंड्रे अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो अर्थ की तारीफ करते हुए उसे कहते हैं हाँ तुम जीत गए हो। अर्थ अब उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम एंड्रे हो, जिस पर वो कहते हैं हाँ, मेरी सोल डिसअपीयर होने से पहले तुमने मुझे हरा दिया, जिससे मुझे थोड़ा समय मिल गया तुम्हारा शुक्र करने के लिए। तो अर्थ कहते हैं ठीक है, तुम जो चाहते थे क्या मैंने वो तुम्हें दिया। तो एंड्रे कहते हैं हाँ, जितना मैं सोचा था तुमने मुझे उसे ज्यादा ही दे दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अंत एक इंसान की तरह होगा, ना कि एक मॉन्स्टर की तरह। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे हरा ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम एक सोलो पर्सन थे।
लेकिन तुमने तो कर दिखाया। जिसके बाद अब एंड्रे अपना हाथ देखता है। वो देखता है कि उसका हाथ धीरे धीरे गायब होने लगा है, यानी कि वो भी गायब होने वाला है और उसके पास थोड़ा सा समय बचा है। वो इसके बारे में अर्थ को ही बताता है कि मेरे जाने का समय हो गया है, शुक्रिया मुझे हराने के लिए। रिवॉर्ड के तौर पर तुम मेरी ये तलवार रख सकते हो, ये खराब हो चुकी है लेकिन ये एंटीक है तो जरूर तुम्हें इसका कुछ न कुछ तो मिलेगा ही अगर तुम इसे बेचोगे तो। जिस पर अर्थ कहते हैं शुक्रिया मुझे देने के लिए, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद अब एंड्रे से कहते हैं कि तुमने कहा था कि यहाँ पर कोई भी गॉड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर गॉड है। मेरा अंत एक इंसान के तौर पर हो रहा है, ना कि एक मॉन्स्टर की तरह। और तो मेरे कॉम्रेड्स मुझे लेने आए हैं, सिर्फ गॉड ही मुझे ऐसा लक दे सकते हैं। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि तुम जिस भी पाथ पर जाओ गॉड तुम्हें ब्लेसिंग दे। चलो अब जाने का समय हो गया है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा बोलकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अर्थ भी अब एंड्रे का शुक्रिया करता है और कहते हैं कि मेरे ऊपर नजर बनाए रखना, मैं भी मानता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उस डंजन का गेट खुल जाता है और अब पूरे गेम सर्वर के अंदर एक अर्जेंट अनाउंसमेंट होती है, जिसमें सभी को पता चलता है कि एंड्रे हार गया है, यानी कि डंजन क्लियर हो गया है। एंड्रे के हारने की वजह से एक न्यू तरीके का वेपन अनलॉक हो गया है, जिसे नाइट स्वॉर्ड कहते हैं। वो स्वॉर्ड 100 स्वॉर्ड का एक सुपीरियर वर्जन है, जिसकी रीच काफी बड़ी है और उसके पावरफुल अटैक है। आने वाली अनाउंसमेंट के लिए हमारे ऑफिशियल होम पेज पर जाएं और ज्यादा डिटेल्स के लिए वहाँ पर देखें। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद अर्थ कहता है तो डंजन को हराने के बाद न्यू वेपन अनलॉक हो गया है। हाँ, अनाउंसमेंट में कहा था कि काफी सारे बॉसेस में से एक बॉस आ रहा है, इसका मतलब और भी काफी सारे डंजन है जिन्हें हराने पर और भी काफी सारे वेपन अनलॉक होंगे। ऐसा सोचने के बाद बर्ट उस डंजन से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर अब वो वापिस ब्लैक स्मिथ के पास आता है और अब वो अपने वेपन्स की हालत देखकर कहता है कि मैंने रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता था। वो अब उन वेपन्स को आग के अंदर फेंक देता है उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अब उन वेपन से माफी मांगता है और उनका शुक्रिया करता है उसकी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए अभी तक। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्थ अब और कुछ वेपन्स बनाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मैंने अपने टूटे वेपन्स को न्यू शील्ड में बदल दिया है, लेकिन मेरा बो और लेदर इक्विपमेंट भी खराब है, मुझे उन्हें भी रिपेयर करना होगा। इन्हें करने में तो काफी खर्च आएगा, चलो कोई भी हो मुझे तो ये करना पड़ेगा ही। अर्थ अब एंड्रे की तलवार को भी देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि अभी के लिए और ज्यादा मुझे नहीं लड़ना पड़ेगा, लड़ने का समय अब खत्म हो गया है। और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके कान काफी ज्यादा लंबे हैं। वो अब कहती है तो फाइनली अब मेरी बारी आई गई है, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ ये देखने के लिए कि आखिर उसका टेस्ट कैसा होगा। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।